It's me, Makeup with Iqqu. I hope you are doing well. So, ये मेरा first voice over है. I hope आपको पसंद आएगा. मेरी videos अच्छी लगें तो like, share, comment ज़रूर कीजिएगा. So, first of all, dark circles बहुत हैं मेरे. Maybelline का baby skin primer और क्रेलॉन के टीवी पेंट स्टिक 45 डार्क सर्कल्स को हाइड करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ. सबसे पहले हम प्राइमर लगाएंगे. प्राइमर्स पहले मैंने अपने स्किन को मॉइस्चराइज कर लिया था. किसी भी मॉइस्चराइज़र से आप अपने स्किन को मॉइस्चराइज कर सकते हैं, अच्छा मॉइस्चराइज़र. सो आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो काइंडली मेरे चैनल को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ. कमेंट भी करें अगर आपको कोई न्यू अच्छे लुक्स चाहिए तो. एंड अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हुए तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल बटन ताकि आपको मेरी हर ट्यूटोरियल के नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके. सो अब मैं यहाँ पर XQM की बीबी क्रीम यूज़ कर रही हूँ. ये बहुत अच्छी है. बेसिकली ये फाउंडेशन का ही काम देती है. मैं यहाँ कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ, नोबा ब्लैक का. यहाँ पे मैं म्यूज़िक फ्लावर का आईब्रो जेल यूज़ कर रही हूँ. शेड है चोको. सबसे पहले स्पूली से एक्स्ट्रा जो फाउंडेशन या पाउडर स्पूली से अच्छे से रिमूव हो जाएगा. यहाँ पे मैं ले रही हूँ एंगल ब्रश. आप देख सकते हैं मेरी आईब्रोज काफ़ी रफ हैं. सो अभी बहुत अच्छे से आपने एंड से डार्क फिल करने हैं और इनर कॉर्नर लाइट, ताकि हमारी एज ज़्यादा बड़ी ना लगे, हमें एज से बड़े ना लगे, ओवर ना लगे. बेसिकली ये मतलब था मेरा. सो अच्छे से एंड से आपने फिलअप करना है. मुझे भी पहले मेकअप नहीं आता था, मैं यूट्यूब पर ट्यूटोरियल्स देखती थी. इंस्पायर्ड मैं सादिया तैमूर से हूँ, तो उनसे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है और अभी तक भी सीख रही हूँ और साथ साथ आपको भी सिखा रही हूँ. आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो काइंडली मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा. अच्छे से आईब्रो फिलअप करें और बिल्कुल भी ओवर ना लगे, एंड से डार्क और इनर से लाइट. और आप स्पूली से मैं सेट कर रही हूँ, इससे बिल्कुल ब्लेंड हो जाएगा और ओवर नहीं लगेगा. सो अब मैं ले रही हूँ मिस रोज़ का कंसीलर. इसकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है. ये मैं अपनी आईब्रो सेट करूँगी क्योंकि मेरी आईब्रो बनी हुई नहीं है, तो इससे सेट हो जाएंगी अच्छे से. सो आपने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लेना है लाइट लाइट, और आप देखिएगा कि बिल्कुल सेट हो जाएंगी. सो अब मैं ले रही हूँ ग्लैमरस फेस की आई शेडो पैलेट. उसमें से मैंने चोको शेड लिया है, ब्राउन चोको सा शेड था वो मैंने लिया है. और फ्लफी ब्रश से अभी टैप टैप करके रख रही हूँ शेड को. बेसिकली शेड रख के उसके बाद ब्लेंडिंग स्टार्ट करनी चाहिए. अगर हम डायरेक्ट ब्लेंडिंग करेंगे तो हमारा सारा शेड उड़ जाएगा. अच्छे से ब्लेंडिंग करनी चाहिए. सो सादिया तैमूर से मैंने यही सीखा है कि ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग और बस ब्लेंडिंग. यही नहीं है कि आप ब्लेंडिंग में ही 8-9 घंटे लगा दें. ब्लेंडिंग बस अच्छे से करनी है. और यदि आप देख सकते हैं कि ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से मैंने कर ली है. यहाँ पे मैं ब्राउन ऑरेंज ब्राउन मिक्स शेड है ये. अच्छे से मैं आउटर वी पे लाइट लाइट सा डैप डैप करके लगा रही हूँ और फिर अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी इस शेड को. अच्छे से ब्लेंड कर दें और जिसको अच्छे से ब्लेंडिंग करनी आ गई ना, उसको मेकअप आ जाएगा.
जहाँ तक मैं मुझे लगता है, बाकी आप लोगों को बेहतर पता होगा। सो बिगनर्स के लिए, मेरे ख़्याल से बिगनर्स के लिए ही ज़्यादा होना चाहिए, क्या होना चाहिए पता नहीं, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। ये मैंने एक्वा शेड लिया है, फ्रोजी एक्वा, और इसको शिमर शेड है तो उसको अच्छे से डैब डैब करेंगे। और सिर्फ हमने डी एरिया पे, आई के डी एरिया पे लगाना है, हमने ज़्यादा ऊपर तक या इनर आउटर पर नहीं लेकर जाना इस शेड को। ग्लैमरस फेस की आई थिंक हर किसी के पास होती है ये पैलेट, और इसमें बहुत अच्छे और पिगमेंटेड शेड्स होते हैं। सो अच्छे से लगाने के बाद अब मैं फ्लफी सा ब्रश लिया है, इस पर कोई प्रोडक्ट नहीं है, सिर्फ मैं ब्लेंड कर रही हूँ जो शेड, ताकि शेड मिक्स हो जाए। फर्स्ट टाइम वॉइस ओवर है तो थोड़ा मैं नर्वस हो रही हूँ। एंड अच्छे से ब्लेंड करने के बाद ब्लैक शेड लेंगे और उसको आउटर वी पे बिल्कुल लाइट लाइट सा आउटर वी पे लगाएंगे, जस्ट अ पर्पलिश शेड बन जाएगा। सो अब मैंने जो मैंने क्रीज एरिया पे दो शेड लगाए थे, वही शेड मैं आईज़ के नीचे लगा रही हूँ विद द हेल्प ऑफ एंगल ब्रश। सो अच्छे से ब्लेंड कर देंगे इन शेड्स को। अब मैं एक स्पार्कल डस्ट ले रही हूँ, इसमें ये हर पार्टी मेकअप में यूज़ होता है, शिमर शेड्स हैं। सो ये बहुत ही अच्छे हैं, आई थिंक ये भी सबके पास होने चाहिए। लाइट लाइट सा लगाने के बाद अब मैं एक्वा का लाइनर ले रही हूँ, थोड़ा मैसी हो रहा है तो उसको इग्नोर कीजिएगा। लैश लाइन के साथ एक लाइन ड्रॉ करनी है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, मुझे भी पहले लाइनर लगाना नहीं आता था। सो आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करने से ही सब कुछ आता है। और एक लाइन ड्रॉ करती है और मैं साइड से बिल्कुल छोटा सा विंग क्रिएट कर रही हूँ। लाइट से लाइन ड्रॉ करनी है, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, अगर हम घबराएंगे तो हमसे होगा नहीं। सो अच्छे से लाइन मैंने वापस खींच ली है। थैंक यू गाइस, थोड़ी सी टेक्निक्स होती हैं उनको समझना पड़ता है, लेकिन प्रैक्टिस फर्स्ट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस अगर हम नहीं करेंगे तो हमें मेकअप नहीं आएगा। और फिर हमें दूसरों के आश्रय पर रहना पड़ेगा कि आप हमारा मेकअप कर दें, आप कर दें। सो यहाँ पे मैं ले रही हूँ बॉब का मस्कारा, बहुत ही अच्छा मस्कारा है, आइज़ को अच्छे से कर्ल कर देता है, और हाईली रिकमेंडेड, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ले सकते हैं। ये सारे बेसिकली जो प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ लोकल मार्केट से आपको आराम से अवेलेबल हो जाएंगे। सो यहाँ पे मैंने एक सिल्वर सा शेड लिया है हाईलाइट, ब्राउ बोन को हाईलाइट करने के लिए। और यहाँ मैं हुदा ब्यूटी का आईब्रो वाइट पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, ये भी बहुत पिगमेंटेड है। आपने मेरी, अगर आप रेगुलर व्यूवर हैं मेरे, तो आपको पता होगा कि मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। यहाँ मैं बारबी लैशेस ले रही हूँ, सो आपको ये लुक आई होप सो पसंद आएगा, और ये किसी भी पार्टी में एज अ गेस्ट आप कर सकते हैं, ब्राइडल मेकअप नहीं कहूँगी, एज अ गेस्ट आप यूज़ कर सकते हैं। आई होप सो आपको ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो मेरी वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, और मेरी मरी हुई आवाज़ को बर्दाश्त करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।